नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च करते हैं एसएससी सीजीएल 2018 के लिए जो विशेष प्रोग्राम, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होगा टायर वन और टायर टू दोनों के लिए, ताकि एक अच्छे ढंग से कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की जा सके। और ये जो कोर्स है डे वाइज शेड्यूल होगा, जैसा जो विशेष का मतलब होता है डे वाइज शेड्यूल, ये हमारी सीरीज होती है, नाम है जो विशेष उस प्रोग्राम का, और वो स्टार्ट हो रहा है 16 जुलाई से, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर पाए अगले 180 दिन में, क्योंकि एग्जाम है टायर टू का। देखो टायर वन का लगभग 3-1 महीने के बाद होगा, और उसके 3 महीने के बाद में अप्रोक्सीमेटली होता है वो टायर टू का होता है। तो 180 दिन बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 180 दिन होंगे। टायर वन जैसा आप जानते हैं 2-3 महीने में होगा, 90 दिन, और टायर वन का रिजल्ट आने के बाद में, टायर वन का रिजल्ट है वो एग्जाम के लगभग 2 महीने के बाद आता है, और उसके बाद टायर टू का एग्जाम होता है अराउंड 1 मंथ के बाद में। मतलब जैसे कि ये रिजल्ट टायर वन का एग्जाम हुआ, फिर 2 महीने का समय जाएगा, और फिर 1 महीने के बाद लगभग एग्जाम होता है। ये एक आमतौर पर प्रोसेस होता है। स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि टायर वन का एग्जाम देने के बाद में वो रिलैक्स हो जाता है और वो वेट करता है रिजल्ट की, और जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम में क्या होता है कि फिर 1 महीना या 15 दिन बचे होते हैं, और इतने कम टाइम में फिर टायर टू के लिए दोबारा मोमेंटम बना पाना, दोबारा ढंग से तैयारी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की गलतियां न हो, इसलिए इस तरह का प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार बन सकता है, जिससे आपकी कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। अप्रोक्सीमेटली 180 दिन अगर आप 8 से 10 घंटा अगर डेली देते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 1800 घंटे आपको सही ढंग से कैसे यूटिलाइज करने हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस। जनरली मैनी स्टूडेंट मिसमैनेज अराउंड 60 डेज। इस 180 दिन में जैसे मैंने बताया 60 दिन के आसपास ये गड़बड़ होने की संभावना हो जाती है, स्टूडेंट मिसमैनेज करते हैं, या यहाँ तक कि क्या होता है कि अभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए होंगे, क्योंकि टायर वन अभी पोस्टपोन हुआ है और स्टूडेंट वेट कर रहे होंगे कहीं, तो कि जब रिजल्ट इसकी डेट आएगी तब हम तैयारी करेंगे, या एक मानसिक रूप से क्या है कि वो तैयार नहीं है, और टायर वन का जब तक डेट नहीं आती तब प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के अनुसार तैयारी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें न हो कि आप सिर्फ प्रेशर के अनुसार तैयारी करिए, कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, जिससे कि आप है वो 1 महीने पढ़ा या 15 दिन पढ़ा और एग्जाम दिया और रिजल्ट आ गया, ये और पास हो गए और आपको डिग्री मिल गई और आप खुश हो गए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ये एक कॉम्पेरेटिव एग्जाम होता है, मतलब कि अगर आपके 90% आ रहे हैं टोटल, तो अगर सामने वाले के एक बच्चे के 90.1 आ गए तो वो बच्चा है आपसे आगे है, और अगर एक पोस्ट है तो वो जीत गया, इसका मतलब आपके 90% जीरो बन गए। तो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में अगर 30 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, 1.5 लाख टायर टू में जाएंगे, और उसके बाद 8-10 हज़ार लोगों को जो मिलेगी, तो 8-10 हज़ार में आना है, न कि सिर्फ क्या है कि आप सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर तो कोई भी कर सकता है, सिलेबस कवर करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिलेबस कवर करना कोई अचीवमेंट भी नहीं है। तो इसलिए सिलेबस कवर वाली जो थ्योरी होती है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और जो सिलेक्शन है उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। लगातार कंटिन्यूटी करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बेटर आता है। तो कंटिन्यूटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, गाइडेंस इंपॉर्टेंट होगा, राइट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। टायर वन और टायर टू का आप कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टायर टू का जो सिलेबस होता है टायर वन के साथ जो मैथ और इंग्लिश आता है टायर टू में, वो काफ़ी हद तक है 95% यहाँ तक कि वो टायर वन वाला ही होता है। हालांकि पिछले साल जैसे कि टायर टू का मैथ का पेपर उसके लेवल थोड़ा कंपेरेटिवली हाई था, तो आपको वो हाई लेवल की तैयारी भी करनी है। इसमें बिगेस्ट रीजन है ब्लंडर का, वो सही ढंग से 180 दिन का यूज नहीं कर पाना। इम्पैक्ट ऑफ इफेक्टिव 180 डेज मैनेजमेंट, अगर आपने 180 दिन को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा, या आप बोल सकते हैं इस बेटर मैनेजमेंट से क्या हो सकता है, आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। जब आप क्लियर डायरेक्शन होती है आपके सामने तो डीमोटिवेशन कम होता है। जब इंसान के पास कुछ करने के लिए ना हो और आपको ये पता नहीं आज मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उससे अगले दिन क्या करना है, तो होता क्या है फिर आप भूल भुलैया में खो जाते हैं, और डीमोटिवेशन का कारण हुआ है। फिर आपको कॉस्मेटिक मोटिवेशन किया जाता है, मतलब कोई वीडियो देख लिया आपने, वो क्या है कि एक्चुअल में मोटिवेशन नहीं है, वो सिर्फ आपका इंटरटेनमेंट है 1-2 घंटे के लिए। मोटिवेशन अंदर से आना जरूरी है, और मोटिवेशन तभी अंदर से आता है जब डायरेक्शन बहुत ही क्लियर हो। डे वाइज शेड्यूल है, जब आप उसको फॉलो करते हैं, मतलब कि आपका 8 या 10 घंटे का अगर टाइम फिक्स है कि मुझे आज ये करना है, तो बहुत अच्छे ढंग से आप अपने एग्जाम को मैनेज कर पाएंगे।
फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें न हो, 180 दिन का आपके सामने प्लान न हो, आप फोकस न हो, तो डेफिनेटली एक एग्जाम के प्रति आप फोकस ही नहीं है। तो कमिटमेंट जब एग्जाम के प्रति नहीं है, एग्जाम आपको बेटर रिजल्ट क्यों दे। अगर इस दौरान आपको गाइडेंस मिलती है प्रॉपर, गाइडेंस का ये इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, या आप एक घंटे का टाइम मैनेजमेंट जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो किस तरह से बेटर रिजल्ट ला सकते हैं। आप टायर वन के बाद में कोई भी रिलैक्सेशन न दें अपने आप को और कंटिन्यूटी बरकरार रखें। टायर टू के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें और जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें हैं वो गाइडेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। वरना क्या है कि आप किताबें खोजने में और इंटरनेट को सर्च करने में ही अपना ज़्यादातर टाइम खराब कर देते हैं। इंटरनेट अगर आपको फ़ायदा कर सकता है तो इंटरनेट से ज़्यादा नुकसान भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा टाइम वेस्टेज का साधन है इंटरनेट। कंटेंट है, अगर आपके सामने कंटेंट रखे हों और सिर्फ आपको वही कंटेंट पढ़ने हैं, आपको इधर उधर नहीं भटकना है, तो आपकी जो एनर्जी है राइट डायरेक्शन में लगेगी। टेस्ट सीरीज आमतौर पर स्टूडेंट क्या भटक जाता है कि मैं वो टेस्ट सीरीज लूँ, ये टेस्ट सीरीज बढ़िया है, ये टेस्ट सीरीज बढ़िया है। बात यहाँ पे बढ़िया या घटिया नहीं है, बात यह है कि क्या आप कर रहे हैं। ज़्यादातर समय है वो डिसाइड करने में लग जाता है, ना कि एक्शन में। तो आपको एक्शन लेना है। जब आपके सामने कोई टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आप लगातार कर रहे हैं, बार बार चीज़ें कर रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। वरना आप वेट करते रहेंगे कि मुझे ये करना होगा, वो बताएगा मुझे, फिर मैं करूँगा। और बताने वाले भी ज़्यादातर कौन होते हैं, जो खुद ही तैयारी कर रहे होते हैं या उन्होंने हाल फिलहाल में एग्जाम दिया है। तो कोई ज़रूर नहीं है उसको इतना अच्छा रिच एक्सपीरियंस हो हर तरह की मानसिकता को मैनेज करने का। हो सकता है उसने खुद स्कोर अच्छा कर लिया हो, लेकिन दूसरों से अच्छा स्कोर करवाना वो एक अलग प्रक्रिया हो जाता है। डाउट क्लियरिंग, आमतौर पर स्टूडेंट के सामने डाउट आ जाते हैं, कभी मैथ में आ जाते हैं, कभी इंग्लिश में आ जाते हैं, तो इस तरह की प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा, ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। कंटिन्यूटी इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आप कंटिन्यू रहे, टायर वन के बाद टायर टू में कंटिन्यू रहे, आपके बीच में गैप नहीं होना चाहिए तैयारी का। अगर तैयारी का गैप आता है तो डिमोटिवेशन भी होता है और भूल भुलैया में खो जाते हैं, मिस गाइडेंस की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अभी रिजल्ट की डेट, एग्जाम की डेट नहीं आई है टायर वन की, इसमें भी आपकी संभावना गड़बड़ होने की काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। पता चला अगला एक महीने में कुछ नहीं हुआ। मैं अगर मैं जानना चाहूँ कि पिछले 7 दिन में क्या किया है, आप 7 दिन का सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक की आप रिपोर्ट बनाइए, पर आवर आपने क्या किया है, तो शायद बहुत सारे आप अपने आप को एक्सपोज कर लेंगे कि ज़्यादातर चीज़ों में ज़्यादातर समय आपने वेस्ट किया इधर उधर की बातों में। तो और अगर आपका बेटर टाइम है जैसे मैंने ऊपर बताया, तो वेस्टेज जो टाइम है वो नहीं हो, तो इसका मतलब 60 दिन आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। एक किस्म से आप ये मान सकते हैं कि 60 दिन का टाइम वेस्टेज रोकना, 60 दिन की डिसकंटिन्यूटी को रोकना, वो 60 दिन की एक अर्निंग हुई। ये अर्निंग है वो आपको डेफिनेटली 20-25% आपको ज़्यादा स्कोर दिला सकती है जो आपका आमतौर पर स्कोर आता। और ये एक एक नंबर का जो डिफरेंस है वो आपको जॉब दिलाएगा या नहीं आएगी, जॉब नहीं मिलेगी, वो उस पर डिपेंड काफ़ी करता है। तो 60 दिन की एक फोकस अप्रोच, एक्स्ट्रा टाइम निकाल देना अपने टाइम में, वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। व्हाट डज इंटीग्रेटेड जॉब अश्योर प्रोग्राम ऑफर? ये जॉब अश्योर इंटीग्रेटेड, पहली बात तो ये इंटीग्रेटेड क्यों, देखो जॉब अश्योर जो टायर वन और टायर टू, टायर वन बार बार पोस्ट हो रहा है या अभी तक फैसला नहीं है कि नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, लेकिन ये जरूर है कि 3-1 महीने इसमें समय जरूर लगेगा। उसके बाद क्या है कि टायर टू होना है, हो सकता है टायर टू अगले 3 महीने में हो, तो 6 महीने में अगर आप फोकस अप्रोच रखेंगे, देखो टायर वन क्लियर करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता अल्टीमेटली, क्योंकि टायर वन क्लियर करने से तो जॉब नहीं मिलने वाली है, इसलिए टायर टू भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप दोनों को दिमाग में रखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, वरना एक हमेशा बोझ बना रहेगा कि मुझे टायर टू बाद में क्वालिफाई करना है, टायर टू की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आपके साथ साथ टायर टू की होती रहे तैयारी, तो आपका मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा बढ़ेगा। और ये 5-7% का जो डिफरेंस होता है ना, यही होता है एक्चुअल में जो जॉब मिलनी है या नहीं मिलनी उसके लिए। और ये डे वाइज प्रोग्राम होगा, और ये कब तक होगा, जब तक कि टायर टू होगा, तो इसका मतलब अगले 6 महीने की प्लानिंग क्या है आपके सामने होगी, आपको उसको फॉलो करना है। आपके सामने कंटेंट होगे, आपके सामने शेड्यूल होगा, आपको अप्लाई करना है अपने आप को। कंप्लीट जीके थ्योरी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, और इसमें होगा क्या क्या, इसमें हम क्या क्या ऑफर करेंगे। आमतौर पर स्टूडेंट के सामने एक जीके बहुत बड़ा इश्यू होता है, या इश्यू न भी होता है तो बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस वास्ट होता है और स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं या शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। मेहनत का अल्टरनेट कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए हमने वो
इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मिसलेनियस हो, इन सब के वीडियो बनाए हुए हैं और साथ में पीडीएफ है। और साथ में क्या है कि प्रीवियस ईयर भी मिला करें 500 क्वेश्चन, 200 टेस्ट है हमारे टायर वन के, 200 टेस्ट के सारे वीडियो बने हुए हैं। हिंदी मीडियम में भी वीडियो हैं और इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो हैं। ये भी हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। तो आप जब 200 टेस्ट करेंगे, 25 एक में होता है, तो 5000 MCQ ये PDF फॉर्मेट में भी है और वीडियो भी है इसका, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी ये हिस्सा है। तो आप जैसे करना चाहिए कर सकते हैं। 5000 क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे, क्योंकि ये वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर की गई है, इसमें भी काफी ज्यादा क्वेश्चन कवर किए गए हैं। इसके अलावा जो अच्छा ये क्या है, PDF फॉर्मेट ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे अवेलेबल होंगे। जो कंप्लीट सीरीज होती है 100 क्वेश्चन की, उसमें 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 25 इंग्लिश, 25 जीके, 25 रीजनिंग। तो ये 200 टेस्ट होंगे, उसके 100 क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 क्वेश्चन है। आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी कर सकते हैं, वो PDF से भी कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ऐसे ही कंप्लीट मैथ चैप्टर वाइज होगा, हर चैप्टर का जो वीडियो होते हैं वो होंगे, PDF होगा, ट्रिक के अलग से वीडियो बनाए गए हैं, यूनिक क्वेश्चन के अलग से वीडियो बनाए गए हैं, और ये सारे हिंदी मीडियम में भी है और वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी है। इसके अलावा टायर वन की जहाँ तक सवाल है, उसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कवर है, मॉडल को मॉक टेस्ट भी कवर है। 200 × 25 एक टेस्ट में होते हैं, 5000 क्वेश्चन के अलग से वीडियो है, और ये सारे वीडियो हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। इसके अलावा और ये प्रीवियस ईयर भी कवर है, PDF भी है इनका, और ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पर भी ये टेस्ट दे सकते हो आप। स्पेशली 2000 इसके अलावा मैथ में जो इतना मैसिव प्रिपरेशन के लिए आपको कंटेंट दिया जा रहा है, इसके अलावा जो नया पैटर्न एक किस्म से डेवलप हुआ है पिछले साल से, टायर टू में थोड़ा लेवल है और डिफरेंट टाइप का आ गया, तो उस तरह के चैलेंज को कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए हमने इनिशिएटिव अलग से लिया है। 2000 डिफिकल्ट क्वेश्चन की सीरीज है, वो चल रही है, और ये हमारा टारगेट होगा कि टायर वन तक हम लोग इसको कम्प्लीट कर दें, जिससे कि आप ये कम्प्लीट टायर वन में भी कर दें। और एडवांस ये एडवांस मैथ से रिलेटेड है। इसके अलावा 40 टेस्ट है टायर टू के नए पैटर्न पे, ये हम लोग अलग से बनाएंगे। हमारा पहले 40 टेस्ट थे, 40 मैथ के, 40 इंग्लिश के, लेकिन वो पहले जैसे आते थे आसान आसान वैसे ही थे, या दूसरे शब्दों में मैं ये नहीं बोलूँगा आसान आसान, क्योंकि जो बच्चे को नहीं आता मैथ उसके लिए आसान क्या हुआ। लेकिन जो नया पैटर्न है उसमें 10-20% है क्वेश्चन है थोड़े दूसरे टाइप के आए हैं, कैट टाइप के आए हैं, तो उस कैट के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं, CDS के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, उन सबको और भी किसी एग्जाम में जो अगर मुश्किल आए हैं या हम लोग खुद भी बनाते हैं जो क्वेश्चन, उन सभी को इंक्लूड करके नए रूप में ये टेस्ट सीरीज आ रही है। 40 टेस्ट, इसका मतलब 40 × 100 4000 क्वेश्चन इसके होंगे, 2000 क्वेश्चन ये होंगे। ये हिंदी वीडियो भी होगा, इंग्लिश वीडियो भी होगा, PDF भी होगा। तो बेटर ये है कि जैसे 2000 क्वेश्चन करने एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, पहले आप PDF में क्वेश्चन करें। आप PDF में क्वेश्चन करेंगे, सोल्यूशन आप वीडियो देख सकते हैं, सोल्यूशन के लिए मतलब कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं हम। अगर आमतौर पर क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे YouTube पे करते हैं, वो वीडियो देख लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पहले देख लिया, वो सॉल्यूशन पहले ही देख लिया, तो क्या क्या आपने आपने तो कुछ नहीं किया, सामने वाला ही कर रहा है आपके लिए, तो उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपको करना क्या है, पहले वो क्वेश्चन खुद सोल्व करें, जब खुद सोल्व करें फिर आप वीडियो देखें, इससे आपका जो इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट का वो कहीं ज़्यादा बेटर आता है। ऐसे ही आप इसको करना है कि पहले आप टेस्ट करें, टेस्ट पोर्टल पर करें या PDF पे करें, उसके बाद वीडियो देखें, और उसके बाद ही अपने आप को इम्प्रूवमेंट की संभावना की तलाश करें। अगर पहले वीडियो देख लिया तो इसका ज़्यादा संभावना नहीं होगी, क्योंकि ये जो ये वाली चीज़ें हैं वो सारे चैप्टर वाइज वीडियो और अंडर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के बाद में, फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने के बाद में, थ्योरी अंडरस्टैंड करने के बाद में, यूनिक क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद में, फिर बाद में कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर आपका बेसिक लेवल नहीं बनाया तो कभी नहीं बनेगा फिर वो, क्योंकि आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि पहले PDF पे क्वेश्चन करें, और PDF बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, कई गुना वीडियो बनाने की तुलना में लगभग 10-10 times है इन्वेस्टमेंट होती है वो PDF बनाने में, इनको क्वेश्चन को फ्रेम करने में वहां पे मेहनत लगती है कंप्लीट। इसके अलावा इंग्लिश का जहां तक सवाल है, कंप्लीट इंग्लिश चैप्टर वाइज ग्रामर का कंप्लीट कोर्स वीडियो होगा, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में। इसके अलावा PDF का कंटेंट, आप कई किताबें पढ़ते हैं, कई नाम लेते हैं, आप सोचिए कि वो किताबों का 2 या 3 गुना है हमारा कंटेंट है। वीडियो वोकैब A to Z अगर आपको मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में A to Z वीडियो है, इडियम फ्रेजेस पे A to Z, फ्रेजल वर्ब पे A to Z, इंटोनेशन पे। इसके अलावा पावर ऑफ 5 इसमें भी जो वीडियो है, जैसे कि नरेशन है,
वॉइस है जो टायर टू के एग्जाम में महत्वपूर्ण, एक 135 से लेकर 140 स्कोर है, वो सिर्फ पांच मुद्दों पे आता है, जैसे नरेशन है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, इस तरह की चीजों पे, तो उनके ऊपर स्पेशल फोकस दिया गया है। ये 500 क्वेश्चन सीरीज भी है पीडीएफ की और वीडियो लेक्चर्स भी है। इसके अलावा 25 इंटू 200 5000 MCQ वीडियो होंगे टायर वन का, जहां तक सवाल है टायर वन का। और टायर टू के अलावा 40, टायर टू में 40 मॉक टेस्ट, 40 इंटू 200 8000 MCQ विद वीडियो। तो आप सोच सकते हैं 13,000 क्वेश्चन MCQ के वीडियो लेक्चर है, और हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, और इसमें सारे प्रीवियर भी कवर है, मॉक टेस्ट भी कवर है, सारी चीज इसमें कवर है। तो इससे आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आप सोचिए कि जो कई बार आपको कोई बोलता है कि सिलेबस करवा दिया, हम सिलेबस करा रहे हैं, यूट्यूब पे सारा हो जाएगा, वो आप 10% भी महसूस नहीं मिलेगा आपको, 10% भी जो आप कर रहे हैं वो 10% भी नहीं होगा। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, ऐसी संभावना बहुत कम होगी कि आपका सिलेक्शन ना हो, अगर आपका विजडम है, बेसिक IQ लेवल ठीक ठाक है तो। कंप्लीट रीजनिंग चैप्टर वाइज वीडियोज प्लस PDF। जहां तक रीजनिंग आप आमतौर पर स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें आपको 50 में से 50 करने या 48 से नीचे आना बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, और वो लगभग 10 या 11 मिनट में होना चाहिए। आमतौर पर स्टूडेंट कर तो देते हैं लेकिन टाइम ज्यादा ले लेते हैं, और उसका इंपैक्ट है दूसरे सब्जेक्ट पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5000 क्वेश्चन के हमने वीडियो बनाए हुए हैं, और वो वीडियो हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, PDF भी है, ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल पे भी है, जो 200 क्वेश्चन की सीरीज है। और इसके अलावा चैप्टर वाइज वीडियो कंप्लीट है, इसके अलावा चैप्टर वाइज PDF भी है, जिससे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो 5000 वीडियो के माध्यम से या 5000 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस वाले, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि मेन तो स्पीड है उसमें। आमतौर पर रीजनिंग आती है ज़्यादातर को, लेकिन स्पीड क्या 11-10 मिनट में आप कर पाएंगे, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर टायर वन में 160, 170, 180 स्कोर आता है, तो टायर टू में बड़ी हेल्प होती है। तो उसके लिए ये रीजनिंग पे भी फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जहाँ तक सवाल है टेस्ट पोर्टल का, तो 200 जो टेस्ट होंगे वो आपको टायर वन के, जिसमें एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, और 80 टेस्ट टायर टू के, जिसमें 40 मैथ के नए पैटर्न पे और 40 इंग्लिश के, 40 टेस्ट, इसका 40 का एक टेस्ट में 200 क्वेश्चन होते हैं, 8000 क्वेश्चन ये, और चार एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 4000 क्वेश्चन ये, ये ऑनलाइन टेस्ट पे आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जब ये सारी चीज़ें करते हैं, नए तो कहीं कोई और किताब देखनी है आपको, नए कोई कोचिंग और देखनी है, नहीं कोई और टेस्ट देखनी है, सारा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही छत पे मिल जाएगा। अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन कैसे करना है? इसकी फीस है 8000 रुपीज, और अभी डिस्काउंट चल रही है, 6000 का लिमिटेड पीरियड के लिए डिस्काउंट है। टायर वन टायर टू कंप्लीट कवरेज होगा इसका, और इसका ड्यूरेशन होगा जब तक कि टायर टू का एग्जाम नहीं होता, तब तक इसको ये वैलिड रहेगा कोर्स। हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं SSCCGLPinnacle.com। और जो हार्ड ड्राइव स्टूडेंट होते हैं, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स होता है उनके जो स्टूडेंट होते हैं, हर तरह की जो जॉब सीरीज है, वो टायर वन हो, टायर टू हो, टायर थ्री हो, टायर फोर हो, उन सब के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये 2 साल के लिए प्रोग्राम होता है, जैसे हार्ड ड्राइव कोर्स 2018-19, ऑनलाइन कोचिंग कोर्स 2018-19 में अगर CET होता है तो वो भी इसमें कवर है। तो कोशिश करें कि आप ये ज्वाइन करें, जिससे कि आप अपने जो प्रिपरेशन है उसको टायर थ्री, टायर फोर, इन सभी तक ले जा पाएं, वरना आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। करना कैसे, हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, जैसे मैंने बताया SSCCGLPinnacle.com, वहाँ पर जाने के बाद में राइट हैंड साइड पर मिलेगा आपको SSCCGL 2018 टायर वन प्लस टायर टू जो बिश्योर, और इस पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे तो विद इन 2 वर्किंग आवर है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बोला जाएगा। और आप जो वर्किंग आवर कब होते हैं, हमारे 9 से लेकर 5 बजे तक, मान लो कोई 11 बजे रात को कोर्स खरीदता है तो अगले दिन 11 बजे तक उसके पास लिंक आएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, और 16 तारीख से पहले 15 तारीख को शाम तक उसके पास शेड्यूल आ जाएगा विद कंटेंट में, कि आपको ये चीज़ें इस दिन पढ़नी है, हर दिन का शेड्यूल आ जाएगा आपके सामने। तो ये पूरा कोर्स है जिससे आप अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं, 16 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा, गेम चेंजर बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।